ईस्ट एमसीडी ने पूर्वी दिल्ली इलाके के अंतर्गत आने वाले मेडिकल संस्थानों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निपटारे के लिए टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद एमसीडी के मुख्यालय पर पहुंचे और जहां उन्होंने भाजपा शासित ईस्ट एमसीडी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आप पार्षदों से बातचीत की संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। डॉक्टरों के ऊपर मेडिकल वेस्ट उठाने के नाम पर 2,000 रुपए का टैक्स लगा दिया है और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद ईस्ट एमसीडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि ये तमाम आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं जो इस टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी के हाथ में लिखा है, कोरोना वॉरियर्स पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। कोरोना वॉरियर्स पर डॉक्टरों पर लगा हुआ कर वापस लो, यानी कि इस टैक्स को वापस लेने की ये मांग कर रहे हैं। हमारे साथ मनोज त्यागी हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, ये बताइए कि ऑलरेडी डॉक्टर जो हैं वो 500 रुपये से 891 रुपये तक जो है पैसे देते हैं मेडिकल वेस्ट उठाने के नाम पर, अब ये 2,000 रुपये किस चीज़ के हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी अनाप शनाप टैक्स लगाने का काम कर रही है तमाम विभागों के अंदर। उसी तरीके से इन्होंने कोरोना वॉरियर्स का बहुत बड़ा अपमान किया है। यहाँ पे इन्होंने सॉलिड वेस्ट के नाम पर 2,000 रुपये प्रतिमा का शुल्क लगाया, जहाँ दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भारत रत्न डॉक्टरों को भारत रत्न देने की बात कर रही है, केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार। उसी दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इनका अपमान कर रही है। 2,000 रुपये का कर लगाया गया सॉलिड वेस्ट के नाम पर, जो बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। पहले ही तमाम डॉक्टर्स अपना बायोमेडिकल वेस्ट को उठाने के लिए 891 रुपये प्रति माह का शुल्क दे रहे हैं, जो उसके बाद उनके पास कोई कूड़ा ही नहीं बचता, फिर किस चीज़ का 2,000 रुपये? ये बिल्कुल असंवैधानिक भी है और अमानवीय भी है। मैं चाहता हूँ कि इसको तुरंत प्रभाव से वापस हो। आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद यहाँ बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये आज मेयर साहब ने वापस नहीं लिया तो इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना होगा, हम जाएंगे। सर, क्या कोई रफ फिगर बता सकते हैं कि ईस्ट एमसीडी के इतने लगभग डॉक्टर्स हैं इससे इफेक्ट होंगे? देखिए, यहाँ हजारों की संख्या में डॉक्टर्स हैं, मतलब तकरीबन 1,00,000 के आसपास डॉक्टर हैं, और ये कोई छोटी संख्या नहीं होती, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। डॉक्टरों के खाली डॉक्टर्स के ऊपर ये शुल्क नहीं लिया जा रहा, ये शुल्क लिया जा रहा है पैरामेडिकल वालों पे, ये शुल्क लिया जा रहा है लेबोरेटरी वालों पे, ये शुल्क लिया जा रहा है केमिस्ट से। अगर इनकी तमाम की संख्या मिलाई जाए तो लाखों की संख्या में हो जाएगा। तो लाखों लोगों पर इस तरह का टैक्स लगाना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है, अमानवीय है। जिन लोगों ने कोरोना काल के अंदर अपने परिवार की चिंता किए बिना, अपनी चिंता किए बिना लगातार लोगों की सेवा करने का काम किया है, लगातार लोगों को इलाज देने का काम किया, उनकी जान बचाने का काम किया, ऐसे कोरोना काल के अंदर जब कोई बड़े बड़े अधिकारी नहीं निकल रहे थे, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अपने घरों के अंदर सोए हुए थे, ऐसे समय में ये डॉक्टर्स और तमाम मेडिकल वर्कर्स जो थे वो काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, लोगों की जान बचा रहे थे। आज उनके ऊपर ऐसा टैक्स लगाना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अमानवीय है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी इनको सम्मान दिलाना चाहते हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये तुरंत प्रभाव से कर वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, राजकुमार बल्लन साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, अब आगे का क्या स्टेप है, कोई ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, मेयर से बातचीत करेंगे? दिल्ली नगर निगम में निकम्मे राजनीतिक नेतृत्व के कारण दिन प्रतिदिन अमानवीय निर्णय लिए जा रहे हैं, जिनमें से एक आज जिसके लिए हम धरने पर बैठे हैं। इससे पहले भी अफसरशाही इस निकम्मे राजनीतिक नेतृत्व के सामने बिल्कुल ये नेतृत्व असहाय है और कोई भी अपनी नीतियों को इस कोविड काल में भी एक आम आदमी को जहाँ सुविधाएं देने के लिए, सहयोग करने के लिए कार्य करना चाहिए, ये एक आम नागरिकों को दुखी करने का और परेशान करने का जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इनका पुरजोर विरोध होगा और संवैधानिक तरीके से इस योजना पर, जो भी पार्टी की योजना होगी उस पर हम जहां तक भी जाना पड़ेगा वहां तक कार्य करेंगे, जो भी आदेश होगा उसके आगे बढ़ेगा। कुल मिला के 2,000 रुपये टैक्स लगाया है, उसी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद यहाँ पर बैठे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि बीजेपी और ईस्ट एमसीडी इस कर को वापस ले। कैमरामैन मुकेश के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।